हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एई किचन्स। फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ ऐसा भी बनाने का मन होता है कि जो झटपट से बन जाए और बहुत यमी भी बने। आज हम ऐसी ही एक रेसिपी बनाएंगे, पनीर की डिश बनाएंगे। आज हम बनाएंगे दही वाला पनीर, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाने में और खाने में बहुत ही मजेदार। तो स्टार्ट फ्रेंड, इस पनीर की डिश में ना तो हम प्याज यूज करेंगे, ना ही लहसुन यूज करेंगे और ना ही टमाटर यूज करेंगे। इसमें हम करेंगे दही यूज, गाढ़ा वाला। एक बड़ी कटोरी भरकर हमें दही की चाहिए। और ये मेरे पास 250 ग्राम पनीर है। पहले हम पनीर को थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, थोड़ी सी आधा छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे देगी मिर्च, मतलब कलर वाली मिर्च चाहिए हमें, स्पाइसी नहीं चाहिए। थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना इसमें नमक, बिल्कुल 1 पिंच जितनी हल्दी, और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इस मैरिनेशन में हम ये पनीर क्यूब्स ऐड कर लेंगे और इनको हल्के हाथों से इस तरह से टॉस कर लेंगे, ताकि ये जो मैरिनेशन है वो हर पनीर के ऊपर लग जाए। एक पैन ले लेंगे, 2 बड़े चम्मच मैंने उसमें ऑयल ऐड किया। अब इस पनीर को हमने बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का सा बस टॉस सा करना है, फ्राई सा करना है, कि ये थोड़ा सा इसकी शेप जो है वो सेट हो जाए। ज्यादा हिलाएंगे नहीं। ये देखिए, हल्का हल्का ये फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, पनीर हल्का सा हमने फ्राई कर लिया, इसको रख देंगे साइड पर। अब ये देखिए, दही को थोड़ा सा हम स्मूथ बना लेंगे। ये देखिए, स्मूथ हो गया। फ्रेंड्स, ये जो दही है ये हमें थोड़ा गाढ़े वाला ही दही लेना है। इसमें मैं डालूंगी 3 छोटे चम्मच काजू का पेस्ट है। ये काजू का पेस्ट आप यूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें मगज का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर दोनों में से कुछ भी ना डालना चाहे तो 1 छोटा चम्मच आप बेसन को रोस्ट करके इसमें डाल दीजिए। इन चीजों के डालने का मेन मकसद हमारा ये है कि जो ये हमारी दही है वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक, नमक हमने पनीर में भी ऐड करा था तो थोड़ा सा ही करेंगे, बिल्कुल 1 पिंच जितनी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी देगी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये मेरे पास थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया है, वो बहुत बढ़िया लगता है। आप अगर ना डालना चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दोबारा से वही बर्तन ले लिया ग्रेवी के लिए, क्योंकि इसमें स्पाइसेस भी हैं और थोड़ा ऑयल भी है। 1 छोटा चम्मच ऑयल का मैंने इसमें और डाला। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक है, वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जीरा, ये देखिए थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास है लाल मिर्ची साबुत वाली, इसको यूं तोड़ के डाल देंगे। हल्का सा कुक करेंगे। मसाले हैं तो हल्का पानी इसमें डाल देंगे ताकि ये जले ना। ये बस 1 घूंट जितना पानी ऐड कर देंगे। अब ये जो हमने दही और काजू की पेस्ट का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे और जल्द से घुमाएंगे।
बस ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे और इस टाइम पे आप इसमें एक छोटी इलायची अगर डाल देंगे तो फ्रेग्रेंस बहुत ही बढ़िया आएगी सब्जी में। ये देखिए, एक छोटी इलायची को मैंने थोड़ा सा तोड़कर इस तरह से उसके सीड्स अलग करके डाल दिया। बस 3-4 मिनट इसको पकने देंगे। 2-3 मिनट हो गए ग्रेवी को पकते हुए। ये देखिए, ऑयल साइड से निकलना शुरू हो गया। इसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी हम चीनी ऐड कर देंगे, आधे से भी कम छोटा चम्मच, जो कि इसके टेस्ट को अच्छे से इन्हेंस भी करेगा। और साथ में चीनी डालने से अगर हमारा दही थोड़ा सा खट्टा होगा तो वो इसको पूरा बैलेंस कर देगी। और स्पाइसीनेस के लिए ये मैंने हरी मिर्ची कट करके रखी है। इस टाइम पे ये हरी मिर्ची फ्रेश वाली डाल देंगे। अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो इस टाइम पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये देखिए, हल्का सा पानी डालेंगे। जितनी भी आपको थिक ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर लीजिए। बस ये हमारा ग्रेवी बिल्कुल बनकर रेडी है, पनीर भी हमारा रेडी है। तो अब मैं आपको ये सर्व करके डिश में सर्व करना है, पहले हम ये अपनी ग्रेवी रख देंगे उसमें। मजेदार से पनीर क्यूब्स। फ्रेंड्स ट्राई करके देखिए, बहुत ही बढ़िया ये डिश बनती है। देखा कितने कम टाइम में, और हमने कोई खास इसमें सामान भी यूज नहीं किया, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं की। ट्राई कीजिए जरूर से, और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी इजी सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।